ज्यादा सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए, 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? ये वाम मोर्चा कभी यहां पर उसका सूरज ढलता नहीं था, आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है। क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब जगह बिल्कुल नहीं है, कृपा करके आप जहां है वहीं से सुन लीजिए, आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अभी तो बहस इतनी है कि भी एनडीए 400 पार होगा कि नहीं होगा। जो हमारे विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं बोले कहते हैं बिल्कुल 400 पार करेगा। और इंडी वालों की लड़ाई बस इस बात पर है कि लोकसभा में विपक्ष में जो दल जीत करके आएंगे उनमें सबसे बड़ा दल कौन बने। ये लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। फिर मोदी को किस लिए इतने ज्यादा एमपी चाहिए? भाइयों बहनों, मोदी को ज्यादा एमपी इसलिए चाहिए ताकि वो हर संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। आज देश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं से जुड़े कितने काम हो रहे हैं। अगर आपके यहां बीजेपी एनडीए के सांसद होंगे तो और तेजी से विकास होगा। बीजेपी एनडीए के सांसद अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र में 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ले जाते हैं। आप बीजेपी सांसदों को देखा होगा, पिछले 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत की है, अपने क्षेत्र का इतना विकास किया है। अगर यहां से भी आप बीजेपी के सांसद चुनते हैं तो विकास में ताकत लगाता है, और अगर विरोधी चुनते हैं तो हाउस में हो हल्ला करने में टाइम बिगाड़ता है। साथियों, मैं जानता কি ভাবছেন ফ্যামিলি নিয়ে কোথায় রসনা তৃপ্তি করবেন? আর চিন্তা নেই, রসনা তৃপ্তির সেরা ঠিকানা হোটেল ইউটিউব, যেখানে রয়েছে ফ্যামিলি রুফটপ রেস্টুরেন্ট, সঙ্গে থাকছে মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট, পুল পার্টির সুবন্দোবস্ত রয়েছে ইউটিউবে। এছাড়াও যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, জন্মদিন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান করারও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন ইউটিউবে। আমাদের ঠিকানা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, কাঁচরাপাড়া, কাঁপা মোড় সংলগ্ন ইউটিউব হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট।
ট্রেডিশনাল হোক বা ট্রেন্ডি নারী, পূজো মানি প্রিয় গোপাল বিষয়ী কলকাতায় আর জেলায় জেলায়।